चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, और ये नया टॉपिक बड़ा एक मतलब बहुत से लोगों को आता है। टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सप्रेशन डेराइव करना। आप इसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है कि अगर आपके पास तीन कैपेसिटर या तीन से ज़्यादा कैपेसिटर अगर आप सीरीज कम्बाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है, इनफैक्ट ये डेरिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं, तो आई होप सभी लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तीन उसके हमने लिए हैं, और यहाँ पे सब में एक चीज एक कनेक्शन की सीरीज कनेक्शन, आखिरी में अर्थिंग करके रखा। तो अर्थिंग का कंसेप्ट ये रहता है कि इस एंड का पोटेंशियल जीरो रहता है, इस एंड का पोटेंशियल वी रखा गया। तो अगर हम इसको बोल देते हैं कि इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी वन, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी टू, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी थ्री। और अब हम चार्ज स्टोर की बात करेंगे, तो चार्ज स्टोरेज जो होगा यहां पर वो होगा क्यू। यहां पर चार्ज स्टोर कितना होगा, यहां पर भी होगा क्यू। यहां पर चार्ज स्टोर कितना होगा, तो भाई यहाँ पर भी Q ही होगा। अब एक चीज डिफरेंट हो जाएगी कैपेसिटेंस ना, हाँ साथ में एक और चीज हो, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि चलो चीजें डिफरेंट है, सेम क्यों है। मुद्दे की बात मान लीजिए, पहले आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ने चले जाते हैं, केमिस्ट्री की बुक यूज कर, उसके बाद आप मैथ्स की किताब उठा लेते हैं। ये बताओ भाई वो तीनों किताबें पढ़ कौन रहा, भाई आप ही तो पढ़ रहे हो, आप ही पढ़ोगे पहले ये फिर ये, आप ही पढ़ ले, इससे क्यों ना सेम। सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, और ये भी बात है सबको तुम अलग अलग दे रही सकते, अलग अलग टाइम दोगे, जरूरी नहीं होता सब में इंटरेस्ट की होती है भाई, कभी किसी में इंटरेस्ट ज्यादा है तो किसी में इंटरेस्ट कम। तो चलो अब इस इंटरेस्ट को नाम दे देते, चलो उसके लिए बोल देते हैं कि यार यहाँ पे पोटेंशियल जो ना इस जगह पोटेंशियल, तो वी वन होगा, इधर वी टू होगा और इधर वी थ्री होगा। अब ये जो एक क्यू सेम है ना, तो इसको लिख लेते हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर विल बी से। भाई तो ये हो गई, अब एक और मैथमेटिकल रिलेशन तो फटाफट वो भी लिख लेते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, इस पर रिलेशन होगा Q इज इक्वल टू सी वन वी वन, भाई इस पर होगा Q इज इक्वल टू सी टू वी टू, इस पर होगा सी टू वी टू, इस पर होगा Q इज इक्वल टू सी थ्री वी थ्री, भाई ये तो रिलेशन होता है। हाँ, और हम तीनों की जगह एक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात हो रही, तो आप उन लोग लिख देंगे सिंपल सा फंडा Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो सी लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। और तुमको नहीं चाहिए कि अलग से, तो फिर सी एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। हाँ तो भाई, लेकिन हाँ भाई वी सेम होगा ना, वी नहीं सेम होगा क्यू सेम। तो ये जो आप पूरी सेट ऑफ इक्वेशंस देख रहे हो ना, एक दो तीन चार, तो उसको बोल देते हैं यार हम लोग वन, सबको वन। अब एक और इक्वेशन लिखा यार, वो कौन सी इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को लिखेंगे भाई वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी जैसे बोला था बेटा सब में इंटरेस्ट अलग अलग होगा, और तुम कितनी देर पढ़े हो, तो मान ले तुम बैठ के पढ़े अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो तुमने पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, भाई टाइम तो तुमने दिया, किसी में कम किसी में ज़्यादा तुम्हारे इंटरेस्ट की बात होती, सब्जेक्ट की बात होती, पढ़ तो तुम ही रहे हो इस वजह से ऐसा। अब एक और चीज़ करेंगे, बड़ी साफ बात हो रही भाई, ये जो देख रहे हो ना इसमें ना V1 को निकाल लो,
भाई V1 कितना हो जाएगा, है ना, तो भाई Q अपॉन C1, और V2 निकाल लो तो ये हो जाएगा Q अपॉन C2, और अगर V3 निकाल दिया तो ये हो जाएगा C3। अब भाई यहाँ पर क्या लिखोगे, हैं, तो यहाँ पे लिखोगे Q अपॉन CS। अब भाई ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि यहाँ पर सब में क्या चीज सेम है, बताओ भाई क्या चीज सेम है, भाई क्यू सेम है, उड़ा दिया, खत्म किया। अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1 upon CS = 1 upon C1 + 1 upon C2 + 1 upon C3। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया भाई, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 2, और बाकी तो समझ गए होगे कि फ्रॉम 1 और 2 से ये निकल के आया आपका रिजल्ट आ गया। हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड अप कर देते हैं भाई, इसी से जुड़ जाता है, बड़ा इजी से क्वेश्चन है कि भाई अगर अगर आपके पास एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, है भाई 1 upon C + 1 upon C तो भाई n upon C हो गया। फिर भूलना नहीं बेटा, रिवर्स लेना पड़ता है। CS will be equal to C भाई आ गया भाई, सिंपल। मतलब जब कभी सीरीज वाली बात हो ना तो याद रखना तुम ही पढ़ रहे हो, तुमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, भाई मैथ्स पढ़ी, इंटरेस्ट के हिसाब से। चलो भाई कंप्लीट हुआ ये, हाय।